हम लोग पढ़ेंगे कानों में कंगना, राजा राजकुमार रमन प्रसाद जी, जो SGT हिंदी में जो है इसका सिलेबस में हमारा है। किरना तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लटका टायर कहा कंगना, अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ तब कहाँ पान, किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चवन के फूलों की भांगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं, चतुर दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है, जब वे जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूरा से देख रही थी। वह पतली किरण अपने मृत्यु सैया से इस शून्य निविर कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे, किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोती थी। मैं क्या बता सकूँ, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा वश थी। मैं तो खरा खरा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर सुने झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चित ज्योति सचमुच भावहीन है या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त हैं, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था लें। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था, वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर रुकती थी, जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहनशाह के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लुओं की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी, कभी आम के टिकोरे से आँचल भर लाती, कभी मौलश्री के फूलों की माला बना लेती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि वह अचानक वह बनेती लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जानने में, हाथों से कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, दो टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी, यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और भी बड़ी हो गई, मुझे चोट सी लगी, मैं तक्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया, प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। एक दिन था किसी दुनिया में, दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे, हरी चंदन के पल्लवों की छाया फूलों पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छीटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदनों पवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आँखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला, समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर कर दो घड़ी वंशी की टेर दें।
ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब कब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी के महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल जित क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे तथा वे उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपती थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतर कर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावत जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नास्ती किरणों की लेखा कही। मान निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हूँ, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत विरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हूँ। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालूं। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना में लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक अंगंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए, समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले हैं। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदे निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतरलहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली, हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकर कर कह उठा, हाय नरेंद्र यह क्या, तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले। कंकरी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत के भी यही चाल हैं। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझूं। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे, 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति के निमुक्त बोध, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर
सर पर सिंदूर रेखा सजती, हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की कड़धनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मानती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस अलोक आलोक की छटा पूर्वजन की सुख स्मृति पर चली जाती थी और आंखें उसे जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था फिर बारी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 7-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, वही किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुष्कर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती, यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई, किन्नरों की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा चलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजित चरणों पर रखी। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बना था, जो अनंत जीवन का संगीत था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर वाहनों की माला गूथ गूथ कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली की गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई, किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुंदवल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोर से रह रह कर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था, आँखों के ऊपर न चांदनी थी न बदरी थी। त्रिशंकु ने स्वर को जाते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाया और मैं तो अपने स्वर के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो, हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालान चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया, मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झाँके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आलमारी में केवल मकरे का जाल था, श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी, उसी दम किरण पर झपटा। पास आते ही सहम गया, वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी, केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झेल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी, कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है। हाँ, चिन कंठ की कांकड़ी थी। कहाँ है, अभी देखने दो, उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा। वही कानों का कंगना, सर तकिए से डल पड़ा, आंख भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई, क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी। आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे।
मेरी स्मृति त्वरित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भूली शकुंतला उस पर याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थी, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया।